अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ वनीला कपकेक विदाउट ओवन विदाउट एग। बहुत ही आसान रेसिपी है, आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है और इसमें मैं एक टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन तीनों चीज़ों को मैंने छलनी से अच्छी तरह से छान लिया है। सिर्फ वन बाउल में ही इसकी सारी मिक्सिंग होगी। कैस्टर शुगर ली है, बारीक चीनी है, ये 1/2 कप है। अगर आपके पास मोटी दानेदार शुगर है तो आप उसे पीस लीजिएगा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। जस्ट 1/4 कप ऑयल किया है और 1/2 कप इसमें मैंने योगर्ट लिया है। योगर्ट आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है, खट्टी दही या फ्रिज की रखी हुई दही आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। दही आपने जब भी केक बनाना है तो दही उसके लिए आपने फ्रेश लेना है। तो बस इन सब चीज़ों को मिक्स करना है हैंड व्हिस्क से, आपको एग बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। 1/4 कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है, सिंपल टैप वाटर है, ना कोई गर्म है और ना ही ठंडा। बहुत बहुत सिंपल केक है ये वनीला केक, बहुत आसान रेसिपी है और इतने परफेक्ट इससे कपकेक बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत इजी है, इसे छोटी बच्चियां भी बहुत आराम से बना सकती हैं। कोई इसमें मेन स्टेप्स नहीं है, सब चीज़ें आपने एक साथ ही मिक्स करते चले जाना है। पानी मैंने ग्रेजुअली ऐड किया था, थोड़ा पहले डाला और थोड़ा अब डाला है। ये टोटल 1/4 कप ही पानी है और ये हमारे केक का जो बैटर है स्मूथ रेडी हो गया है। बस इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कपकेक की ट्रे को मैंने पेपर लाइनर लगा के रेडी कर लिया है और जिस पैन में मुझे बेकिंग करनी है उसे भी मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब बस मैं इसमें 1/3 फिल कर रही हूँ, इससे ज़्यादा आपने फिल नहीं करना है क्योंकि हमें इसकी बहुत प्यारी सी आइसिंग करनी है। बस ये मेरा पैन प्रीहीट हुआ हुआ है और अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी 25 मिनट के लिए। आप ओवन में बेक करें या विदाउट ओवन, दोनों में ही सेम टाइमिंग आती है, 25 to 30 मिनट आपने इसको बेक करना है। ये हमारी कपकेक बेक हो चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल लेवल करके ये बेक हुए हैं। कपकेक की डेकोरेशन के लिए मैंने बटर आइसिंग करूँगी, तो मैंने सबसे पहले बटर लिया है 1/2 कप, उसको हल्का सा बीट कर रहे हैं। आइसिंग शुगर ली है 1 कप, इसका रेशो इतना ही रहता है, जितना आपने बटर लेना है उसकी डबल क्वांटिटी में आपने आइसिंग शुगर लेनी होती है, तो बहुत अच्छी सी आपकी बटर आइसिंग तैयार हो जाती है। बस मैं थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर ऐड करती जाऊंगी और बीटर चलाते रहेंगे। बटर क्रीम की आइसिंग बहुत ज़बरदस्त लगती है, इससे केक बहुत अच्छे डेकोरेट होते हैं। आप कप केक बनाएं, केक के फ्लावर्स वगैरह बहुत खूबसूरत बनते हैं, क्योंकि क्रीम को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेशली गर्मियों में, तो ये आराम से सेट हो जाती है, आराम से अच्छे से फ्लावर सेट हो जाते हैं, केक डेकोरेट हो जाता है। तो बस इसको मैं पहले 2 पोर्शन में डिवाइड करूँगी कि मैं 2 कलर में बना रही हूँ। और देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी है, आराम से इसे मैं 6 कपकेक और एक मैंने छोटा केक भी बनाया है, तो वो भी मैं डेकोरेट करूँगी, वो भी मैं आपको साथ दिखाऊँगी। बाज़ार से कहीं कम कीमत में हम ये इतने प्यारे और इतने मज़ेदार कपकेक घर में बना सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत बहुत कम खर्च में ये बनते हैं और टेस्ट बहुत इसका लाजवाब होता है। तो मैंने ये रेड कलर लिया है, थोड़ा से मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड कर रही हूँ। पिंक कलर एक्चुअली मुझे चाहिए, तो बस मुझे जो कलर चाहिए वो मैंने ले लिया है और इसमें मैंने ब्लू कलर ऐड किया है। इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। नोज़ल आपके पास जो भी हो और जैसा भी आप उसको डेकोरेट करना चाहते हो आप उस तरह से करिएगा। तो इसे मैं पाइपिंग बैग में फिल कर रही हूँ और डिफरेंट नोज़ल्स हैं मेरे पास, तो मैं उसी से इनको डेकोरेट करूँगी। और ये भी कोई इतने ख़ास एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइस में आराम से मिल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ज़रूर लेके घर में रखा करें। दोनों ही कलर मैं पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी और जो नोज़ल्स हैं मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो आप मेरी डेकोरेशन देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऐसे करिएगा और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डेकोरेट करिएगा। नोज़ल्स आपके पास होंगे तो उससे बहुत प्यारे से फ्लावर्स वगैरह बन जाते हैं, डॉट्स डाल सकते हैं। बहुत सिंपल से डेकोरेशन मैंने की है, मैं कोई इतनी ख़ास नहीं कर रही हूँ, तो आप अपने तरीके से करिएगा। सिंपल मैंने ये नोज़ल इस फ्लावर से डॉट्स बना रही हूँ, खाने में बहुत मज़ेदार होती है ये आइसिंग और केक हमारा, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। हल्के से बीट्स इसके ऊपर लगाए हैं। बस इसी तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के डेकोरेशन करूँगी, तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। कम्प्लीटली वॉच किया करें क्योंकि हमारी रेसिपी ख़राब होती इसीलिए कि हम लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और जल्दी जल्दी बढ़ा के देख रहे होते हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है।
तो कम से कम बेकिंग में तो आप लोग किसी भी वीडियोस को स्किप नहीं किया करें, उसे कंप्लीट देखा करें, बल्कि मैं कहूँगी उसे बार बार देखा करें ताकि आपको आइडिया हो कि कोई स्टेप आपसे रहा तो नहीं है। बेकिंग जितनी आसान है तो उतनी मुश्किल भी है अगर आपने इसकी रेसिपी को सही फॉलो नहीं किया तो। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। सेम वही दो कलर से मैं आइसिंग कर रही हूँ, इसमें एक रोज़ बनाया और वही डॉट और वही पर्ल्स वगैरह इसमें लगाए हैं। तो आप भी अगर इसी तरह से आसान सी बेकिंग करना चाहते हैं, विदाउट ओवन बेकिंग करना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोस को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।